वेल हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गाइस इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट करना चाहते हैं तो काफी यूजर्स को इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो है गाइस इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट नहीं कर पा रहे हैं, उनके सामने कुछ इस तरह से जो है पॉपअप आ रहा है। तो आपको गाइस कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज की वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा और गाइस न्यू वर्जन में बताने वाला हूं, क्योंकि इंस्टाग्राम के जो फीचर है जो चेंज हो चुके हैं। तो इस फीचर में कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट करोगे उससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट वीडियो के अंत तक जो है गाइस प्राइवेट हो जाएगा। आपको इजीली प्रोसेस पता चल जाएगी कि कैसे हम इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं। गाइस जो है इंस्टाग्राम अकाउंट को अगर आप प्राइवेट करोगे तो उसमें जो है कुछ इस तरह से जो आपको इश्यू देखने को मिलता है। तो ये इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि गाइस अभी जो टुडे है यानी कि जो प्रेजेंट टाइम है गाइस, उसमें सभी यूजर जो है क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो वो जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएटर अकाउंट बना लेते हैं। तो क्रिएटर अकाउंट में क्या होता है कि क्रिएटर अकाउंट में आप अपने अकाउंट को प्राइवेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि गाइस आप एक क्रिएटर बनना चाहते हो और क्रिएटर अकाउंट को अगर इंस्टाग्राम प्राइवेट कर देगा तो फिर जो है गाइस क्रिएटर को कौन देखेगा गाइस। तो इस वजह से क्रिएटर अकाउंट को आप जो है गाइस यहां पर प्राइवेट अकाउंट नहीं कर पाओगे, ये एक मेन रीजन है। और अगर आप अपने अकाउंट को प्राइवेट करना चाहते हो तो फिर आपको जो है गाइस क्रिएटर अकाउंट को हटाना होगा, यानी कि आपको क्रिएटर अकाउंट को हटा के उसे पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा। और साथ में गाइस अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप इंस्टाग्राम के जरिए अपने बिजनेस को मैनेज करते हो, तो फिर भी गाइस अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तब भी अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो फिर भी ये सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आप आपके बिजनेस के लिए बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज कर रहे हो और उसे आप प्राइवेट कर दोगे तो ऐसा भी नहीं होगा गाइस। आप ना तो क्रिएटर अकाउंट और ना ही बिजनेस अकाउंट को प्राइवेट कर पाओगे। आप अकाउंट को प्राइवेट करना चाहते हो तो आपको इन दोनों को हटाना होगा, ना तो आपका अकाउंट बिजनेस अकाउंट होना चाहिए और ना ही आपका जो अकाउंट है वो क्रिएटर अकाउंट होना चाहिए। अगर ये दोनों अकाउंट में से आपका एक अकाउंट है और आप उसे प्राइवेट करना चाहोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अकाउंट को प्राइवेट करने के लिए आपको करना क्या होगा कि इन दोनों को हटा के आपको अपने अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर जो है गाइस प्राइवेट होगा। तो आशा करता हूँ कि आप जो है ये सीख गए होंगे कि आपको अकाउंट को प्राइवेट करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। और यही प्रॉब्लम होती है गाइस यूजर्स को, उनका अकाउंट क्रिएटर अकाउंट होता है और वो प्राइवेट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है वो प्रोसेस मैं आपको मोबाइल की मेन स्क्रीन पर लेके चलूंगा और पूरी प्रोसेस वहां से दिखाऊंगा। ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो हमने क्लियर की है, आई होप आप जो है समझ गए होंगे गाइस। अभी आप देखो गाइस कि हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और कुछ इस तरह से आज की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो ये अकाउंट हमारा प्राइवेट हो चुका है। अभी इस अकाउंट को प्राइवेट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे मैंने प्राइवेट किया वो सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। कुछ डिटेल्स आपने अभी वीडियो में देखी ही है जो हमने आपको बताई है गाइस, कि क्रिएटर अकाउंट को आप प्राइवेट नहीं कर पाओगे और ना ही बिजनेस अकाउंट के कर पाओगे। इसे प्राइवेट करने के लिए आपको अपने अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में स्विच करना होगा। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो गाइस हमारा अकाउंट है ये यहाँ पर प्राइवेट ही है। अभी मैंने इसे प्राइवेट कैसे किया है वो प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शंस पर जाना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पर आना है और अभी आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। गाइस ये अकाउंट अभी मेरा प्राइवेट है तो पहले मैं इसे क्रिएटर अकाउंट बनाऊंगा, उसके जस्ट बाद में आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को प्राइवेट करके दिखाने वाला हूँ दोबारा से। मतलब अगर आपका अकाउंट पहले से प्राइवेट है और अभी आप उसे पर्सनल अकाउंट बनाना चाहते हैं क्रिएटर अकाउंट, तो वो प्रोसेस भी आपको यहीं से देखने को मिल जाएगी। जो आपको अकाउंट टाइप एंड टूल्स पर जाना है, इस पर जाओगे ऊपर ही आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट वाला ऑप्शन मिलेगा। कंटिन्यू करेंगे, उसके जस्ट बाद में आपको अपनी जो कैटेगरी वगैरह है वो यहाँ पर चूज करनी है, वीडियो क्रिएटर वगैरह जो भी आप हो, तो वो मैं यहाँ पर चूज करूँगा। डन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ से ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो आपको कंप्लीट करनी है, तो पूरी डिटेल्स मैं यहाँ से स्किप करूँगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पर दो ऑप्शन है गाइस कि आप क्रिएटर अकाउंट बनाना चाहते हैं बिजनेस अकाउंट। बिजनेस और क्रिएटर दोनों अकाउंट प्राइवेट नहीं होंगे तो दोनों में किसी पे भी मैं क्रिएटर रहने दूंगा, नेक्स्ट करेंगे। अकाउंट हमारा जो है गाइस प्रोफेशनल अकाउंट बन चुका है और यहाँ पर पहले जो लॉक वाला ऑप्शन था यहाँ पर वो भी हट चुका है। मैं थोड़ा नीचे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ जाएगा जो कि आप देख सकते हो। अगर ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड रखना चाहते हो तो आपको अपने अकाउंट को क्रिएटर अकाउंट या जो है गाइस फिर बिजनेस अकाउंट ही रखना होगा। अगर पब्लिक अकाउंट रखोगे मतलब पर्सनल अकाउंट गाइस और इसे प्राइवेट करोगे तो नहीं दिखेगा ये। तो मैं सिंपली थ्री लाइंस पर जाऊंगा दोबारा से। अभी प्रोसेस आप देखिए कि कैसे हम अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं। सेटिंग एंड प्राइवेसी पर जाना है। अभी आपको एक ऑप्शन मिलता है गाइस यहीं पर फॉर प्रोफेशनल में क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स, और अगर बिजनेस अकाउंट है तो बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल्स आ सकता है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अभी मैं क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स पर क्लिक करूंगा क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएटर अकाउंट है। अगर बिजनेस अकाउंट होगा तो बिजनेस की डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ डिटेल्स सेम मिलेगी।
अभी देखोगे नीचे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन को देखना है, वो है गाइस स्विच अकाउंट टाइप। तो आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, अभी दो ऑप्शन मिल गए हैं। अगर आपका अकाउंट क्रिएटर है तो बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में स्विच करने का ऑप्शन आएगा, अगर आपका अकाउंट बिजनेस है तो क्रिएटर अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में स्विच करने का आएगा, और अगर आपका अकाउंट पर्सनल अकाउंट है तो वो प्रोसेस अभी मैंने बताई है कि कैसे आपको उसे प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है। सिंपली हम क्या करेंगे, स्विच टू पर्सनल पर क्लिक करेंगे। इसमें आपकी जो कुछ डिटेल्स है वो यहाँ पर ऑफ हो जाएगी, जैसे कि इनसाइड वगैरह आप नहीं देख पाओगे, आपकी एड्स परमानेंटली रिमूव हो जाएगी, ये कुछ डिटेल्स। तो हम स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश होगा, कुछ ही टाइम में अपना जो अकाउंट है वो यहाँ पर हम प्राइवेट कर पाएंगे। ये प्रोसेस करने के बाद में अभी प्राइवेट करने से रिलेटेड कुछ अलग है, देख सकते हो स्विच टू पर्सनल हो चुका है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, अकाउंट प्राइवेसी पर जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले मेरा अकाउंट प्राइवेट ही था, मैंने आपको कुछ दिखाया था, तो अभी ये अकाउंट प्राइवेट ही है। अभी आप देखोगे यहाँ पर स्विच टू प्राइवेट हम करेंगे, प्राइवेट हो चुका है। दोबारा से अगर ऑफ करेंगे तो ऑफ भी हो जाएगा, स्विच टू पब्लिक हो चुका है, अभी ये पब्लिक अकाउंट है। दोबारा से प्राइवेट करेंगे, प्राइवेट हो चुका है। अभी इसमें हमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है, ना ही कुछ इस तरह से पॉपअप आ रहा है जो पहले आ रहा था। अभी अकाउंट प्राइवेट हो चुका है, इजीली हो गया है, आप प्रोसेस समझ ही गए होंगे गाइस। न्यू वर्जन में मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप देखिए दोबारा से लॉक लग चुकी है, और मैं आपको अपने दूसरी आईडी से इस आईडी को सर्च करके दिखाता हूँ कि जो आईडी है ये प्राइवेट हो चुकी है, जो शुरू में हमने प्रूफ आपको बताया ही था, जो कि आप देख ही सकते हो गाइस। अभी जो आपके फॉलोअर्स हैं या जिनको आपने फॉलो कर रखा है, सिर्फ वही आपके अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये कुछ डिटेल्स, आप देखिए अकाउंट हमारा प्राइवेट हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं है गाइस कि हमने यहाँ पर आपको फेक ट्रिक बताई, क्योंकि पूरी रियल ट्रिक है, स्टेप बाय स्टेप आपके सामने ही हमने पूरी प्रोसेस को कवर किया है। अगर इंस्टाग्राम से रिलेटेड और कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, अगर किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो गाइस, हम उससे रिलेटेड वीडियो भी जरूर लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी है गाइस तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है।